और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां चुनावी साल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश नायक, सुर्खी के राजकुमार सिंह, धनौरा के कांग्रेस सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया। आपको बता दें, शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। धार से शुभांगना राजे कांग्रेस में शामिल हुई हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सांची विधानसभा के कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां शायर अंजुम रहबर ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। धार से शुभांगन राजे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। सांची विधानसभा के तो कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता अवधेश नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है और शायर अंजुम रहबर ने भी सदस्यता ली है। शुभांगना राजे कांग्रेस में शामिल हुई है धार से। कौन शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दी हमारा सिद्धांत क्या है। हाँ, इसमें अगर शिवराज सिंह जी शामिल होना चाहें, हमारे लोग मान जाएं, हाँ हमारे लोग इसको स्वीकार करें, उनका भी स्वागत है। तो इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अगर कांग्रेस में आना चाहें तो हमारे लोग अगर चाहें तो उनका हम स्वागत करेंगे। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, इतनी भारी संख्या में कांग्रेस की तरफ सदस्यता ले रहे हैं लोग, क्या कुछ है खबर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के दो 57 मंत्रियों के क्षेत्र से जो है कांग्रेस की सदस्यता ली गई है। बीजेपी के ये नेता थे वहां से, तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली है। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। दतिया से अवधेश नायक की बात करें तो वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं राजकुमार धनोरा जो कि सागर जिले से आते हैं और उनका परिवहन मंत्री जो है उनके साथ गोविंद सिंह के साथ लगातार विवाद रहा है, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन की है। तो एक बड़ा झटका है बीजेपी को लेकर के, बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वहीं बात करें तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब और कौन कौन से बीजेपी के नेता हैं जो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। एक सवाल किया गया था पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ से कि इमरती देवी की भी चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस में एक बार फिर से शामिल होना चाहती हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो चाहें तभी सब शामिल होंगे। जी बिल्कुल दिनेश, और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से करती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।